भाई दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है हमारे। आंटी को भी बताएगा गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं अपना ऊटी साइड एंड अभी सुबह के हो चुके हैं 2, तो अभी मेरे को अपने फ्रेंड के तो जाना है, तो यहाँ से पहले मैं अपने फ्रेंड के तो जाऊंगा एंड वहाँ से हम करेंगे ऑटो। तो चलो यार इसी व्लॉग को कहते हैं जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, वीडियो पूरा देखना। भाई रोड पड़ी है बिल्कुल खाली सुनसान, स्कूटी घोड़ा तो चलता ही रहता है बेंगलुरु में, एक बार तो है यहाँ पे भी लौंडे घूम रहे हैं। यार आइस तो हो रही है बिल्कुल रेड, हल्की हल्की नींद तो है, बट चलो कोई नहीं, वो जाते जाते ख़त्म हो जाएगी। आगे भैया क्या चल रहा है भाई, गुस्सा हो क्या? नींद में आओ भैया, नींद में आओ भैया मैं। अबे बैग तो लेने दो, दोस्त को भी उठा लिया और भाई ने भी लाल पहना है। ओए इधर देखो अमित भाई, साला कोई सोता नहीं है क्या बेंगलोर में? है, है? ब्लॉगर चल रहा है। मैंने कुछ गलत करा क्या तुम्हारे साथ? अरे आप क्या ही करोगे भाई, उठा दिए बस। बड़ा हरामी हो बेटा। चले भैया later. इसको देख के तो लग रहा है कि ठंडा है यहाँ पे। ऊटी में 26 डिग्री टेम्परेचर, 26 बैंगलोर में 30। ठंड लग रही है। गाइस हम अपना आ चुके हैं ऊटी एंड देखते हैं इस होटल में अगर हमें कुछ मिल जाए। हमने रूम कर लिया है फिक्स और रूम का टूर देते हैं और व्यू कुछ ऐसा है, मेरे पीछे देख सकते हो एंड हवा चल रही है काफ़ी ठंडी। एंड दिस इज़ हर्षा रेटिंग एंड दिस इज़ आवर रूम। यार ये एयरबीएनबी है ना, काइंड ऑफ ना। तो भाई ये हमको एक मिल गया और ये रहा हमारा वॉशरूम किचन एंड टीवी चलता ही है। हाँ ठीक है, और भाई बाकी एक शीशा भी दे रखा है एंड ठीक है, सही लग रहे हैं। नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, तो चलो कुछ सामान लेके आना है खाने पीने का क्योंकि भूख लग रही है, वो लाते हैं एंड सामान अपना अंदर रखते हैं, नीचे चलते हैं। या एंड ये अपना थोड़ा सा खेलने का एरिया। चलो काफ़ी अच्छी हवा चल रही है यार, तो चलो ठीक है अब सामान लेते हैं। हेलो हेलो अमित भाई वहाँ पहुँच गया था। क्या हो गया आपके साथ, क्या हो गया बताओ तो सही, एक बार बताओगे? नहीं बेहोश हो गया भाई, रुकता तुम वहाँ थे ठीक है तो यार आप यहाँ से नहीं बोल सकते थे कि भाई तू गलत जा रहा है। मैं ऊपर चले गया ना भाई मेरे। ओ हेलो इधर देखो, मैं तो देख के बात करो, कैमरे के आगे बात करो भाई, आप मेरे को इजीली देख पा रहे थे भाई। बस हवा निकल गई। हाँ मैंने देखा तुम यहाँ पे हो, मुझे लगा फिर तुम कहीं और जा रहे हो, उसके बाद तुम वहाँ पहुँच गए, मैंने कहा वाओ। यू नो व्हाट अमित, अमित सुनो तो सही, इस तरह के पहाड़ का टीचर दिया ना मैं, पेट नहीं हम खुद अंदर चले जाए। क्या पेट नहीं अपन खुद अंदर चले जाए। मेरे को एक तो एक बात तो बताओ, तुम क्या सोच के वहां तक घूमने गए? अबे मैं गलत रास्ता पकड़ लिया यार। गलत रास्ता पकड़ लिया? तुम्हें पता मुझे याद क्या आ रहा था? सही बताऊं, वो जो गाड़ी में ऐसे ऐसे घुमा रहा था ना, मैंने कहा भाई कितने कट थे जो एक आते घूमता घूमता आएगा। चलो कोई नहीं, अच्छा वाह
थोड़ी एक्सरसाइज होगी ना भाई, पेट अंदर हो गया थोड़ी, पेट ऑलरेडी अंदर है भाई, थोड़ी एक्सरसाइज। वैसे कैसा लगा ऊटी तुम्हें फर्स्ट टाइम? सोने जा रहे हो? अरे नहीं भाई, अभी चल रहे घूमने भाई, कुछ देर अगर और रहता ना मैं डेथ कर देते। मैं घर वाले को भी कॉल कर दिया पता। भाई दोस्त के साथ बहुत बुरा हुआ है हमारे। आंटी को भी बताएगा? पगला गया, आंटी से बात कर रहा है। कर आंटी आए, हाउ आर यू, कैसे हो? बड़ा हरामी हो बेटा। चलो ठीक है गाइस, अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं, थोड़ा सा काम है ऑफिस का वो करते हैं। चलोगे? बताओ तो सही, चलोगे नहीं चलोगे? भाई थक गया मैं। घूमी चलो चलो वॉक करके आए एक बार। मैं पागल हो गया हूं भाई। तो यार अपना रेडी हो चुके हैं और निकल रहे हैं बाहर, थोड़ा घूम के आते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो चलो बने रहो, और बाकी लौंडे लोग भी रेडी हो चुके हैं। तो यार अपना आ गए हैं डोडा बेटा पीक, तो चलो चलते हैं। वैसे मैं पहले भी आ चुका हूँ एंड इस बार रेडी के साथ है, तो चलो आगे चलते हैं। तो यार ये अपना मार्केट है यहाँ का, डोडा बेटा पीक का। क्या भाई? इधर पकौड़े भाई। पकौड़े खाने हैं तुम्हें? तो भाई व्यू देख लो कुछ ऐसा है, और ये जो रेज आ रही है सन की, क्या मस्त लग रही है भाई। और ये है अपना ऊटी का व्यू यहाँ से, बड़ा प्यारा सा 3x में देखते हुए। कमेंट्री अच्छी चल रही है मेरी भाई, बहुत सही लग रहा, बहुत सही। तुम क्या कह रहे थे, क्या लेने के लिए? फोटो लेनी है भाई। ठंडा मौसम है इस टाइम पे, जबकि बेंगलोर में बहुत ज़्यादा गर्मी है। वीडियो बना रहे वीडियो में आना है ना तुमको? करो नहीं आना भाई। अब जा रहे नीचे, व्यू पॉइंट वैसे सारा ही व्यू पॉइंट है, तो यहाँ से भी देखते हैं। लाइटिंग अच्छी है भाई यहाँ पे, भाई व्यू अच्छा है यहीं का, वहाँ का देख लिया क्योंकि यहाँ पे लाइट अच्छी आ रही है। साले कैमरा से इतना शर्माते हैं ना ये लोग। बढ़िया तो है लेकिन अगर वो पैडल वैडल कैसे मारोगे भाई? पैडल की तरह मारेंगे भाई। तो गाइस अपना आ चुके हैं लेक व्यू, तो चलो आगे दिखाते हैं। भैया 60 रुपये की टिकट कटी है हमारी, इस पे चल लो, पूछ लो तुम कितने, अंकल से बात करो, डील कर लो। तो भाई बड़ा सही व्यू है यहाँ का, तुम दिखाते हैं पीछे का आपको, काफ़ी बढ़िया लग रहा है ना ये। एंड फुल फॉरेस्ट के बीच में बोटिंग करनी है? नहीं, नो इंटरेस्टेड बट नाइस। शांति से गाइस बैठ के को पकड़ते हैं। बेसिकली लास्ट टाइम जिसमें मैं आया था वो था कुछ खास नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी सही है। देखते कुछ खाते हैं क्योंकि हमने सुबह से कुछ खाया नहीं है एंड थक भी गए हैं, थके तो मतलब रेस्ट कर लिया था। एंड लेट्स सी कुछ खाते हैं एंड आपको भी दिखाते हैं, बट नाइस। एंड 20 रुपये टिकट है बाकी एंट्री का, एंड बोटिंग का कितना लगता है वो बात करनी होगी, हम कर नहीं रहे हैं क्योंकि पहले कर चुके हैं। तो गाइस यार अपना टिकट वहाँ से लेना है एंड हम नहीं ले रहे बिकॉज लाइन इतना लंबा है, तो पैडल के लिए हम इतना तो नहीं करेंगे। एंड बाकी जो दूसरे वाला उसमें वेटिंग ज़्यादा है। अपना एक कैफ़े में आए हैं तो कुछ खाते हैं। आप सोचेंगे क्या था, हर जगह घूम रहा साला, पैसे तो खर्च करने रहे, लेट्स सी कुछ खाते हैं और कुछ देखते हैं, कुछ और मिलता है तो खाने का बढ़िया तो वो भी दिखाते हैं। सो दिस इज़ द कैफे। एंड सीरियसली अपना साउथ में ऊटी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे मज़ा आता है, और ठंडा एरिया है एंड वेरी नाइस व्यू। सी दिस बर्ड, फक मैंने उड़ा दिया उसको। सो गाइस फाइनली रूम पे आ चुके हैं एंड अब खाना खाते हैं एंड इस व्लॉग को करते हैं यहीं ख़त्म। चलो बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं नए व्लॉग पे, बाय।